साइंस थिंक। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एवरेज एटॉमिक मास या फिर एवरेज एटॉमिक वेट के बारे में। तो अगर आपने पीरियोडिक टेबल में देखा हो तो कोई भी एलिमेंट किस तरीके से लिखा होता है, मान लीजिए कोई एलिमेंट है एक्स, नीचे क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं, ऊपर क्या होता है इसका एटॉमिक मास जिसको ए से डिनोट करते हैं। तो कोई भी एटॉमिक नंबर हो सकता है, कोई भी मास नंबर हो सकता है। सपोज हम कार्बन एटम की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका 6, इसका लगभग डबल कर देते हैं तो एटॉमिक मास हो जाएगा यानी कि 12। ऐसे ही नाइट्रोजन का देख लेते हैं, नाइट्रोजन क्या होता है 7 और एटॉमिक मास 14। ऐसे ही ऑक्सीजन का देख लेते हैं तो होता है 8 और 16। तो हमें पता है कि भाई कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन का 14 लिखना है और ऑक्सीजन का हमें 16 लिखना है। तो हम इनका एवरेज क्यों निकाल रहे हैं फिर, जब हमें पता है कि भाई कार्बन का हमें 12 लिखना है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो हम एवरेज किस लिए निकाल रहे हैं फिर इनका? एवरेज निकालने का मीनिंग ही क्या है फिर? तो जिन लोगों को पता है कि एवरेज हम किस लिए निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों को नहीं पता है तो भाई इसका सिंपल सा मीनिंग है कि हम एवरेज कब निकालते हैं। एवरेज हम तब निकालते हैं जब हमारे पास एक से ज्यादा नंबर होते हैं और हम उनकी कोई बीच की संख्या लेना चाहते हैं तो हम उनको सबको प्लस करके डिवाइड कर देते हैं टोटल से, तो हमारे पास आ जाता है एवरेज। तो ऐसे हम निकालते हैं एवरेज। लेकिन अब इसमें तो एक ही नंबर है, इसमें सिर्फ 12 है, नाइट्रोजन का सिर्फ 14 है, ऑक्सीजन का सिर्फ 16 है, तो इनमें एवरेज किसका निकल रहा है? एवरेज तो तब होगा जब 12 के अलावा भी इसका कोई एटॉमिक मास होगा। इसका एवरेज तब निकलेगा जब 14 के अलावा भी इसका कोई मास नंबर होगा। ऑक्सीजन का भी तब निकलेगा जब 16 के अलावा भी इसका कोई मास नंबर होगा। तो कार्बन एटम में सिर्फ 12 का एटॉमिक जो एवरेज है वो तो नहीं निकल सकता है। तो इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं कि भाई कार्बन 12 ही एग्जिस्ट नहीं करता है एनवायरमेंट में, कार्बन 13 भी एग्जिस्ट करता है, कार्बन 14 भी एग्जिस्ट करता है। यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि इसका एटॉमिक मास जो है वो 12 भी नहीं हो सकता, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है। ऐसे ही नाइट्रोजन के लिए देख लो, नाइट्रोजन 14 ही नहीं होता है, नाइट्रोजन 15 भी होता है। ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए भी पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन 16 ही एग्जिस्ट नहीं करता एनवायरमेंट में, ऑक्सीजन 17 भी होता है और ऑक्सीजन 18 भी होता है। लेकिन इनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम ही रहता है, क्योंकि है तो ऑक्सीजन ही, ऑक्सीजन एलिमेंट ही तो है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो तो 8 ही रहेगा, इसका भी 7 रहेगा और इसका 6 ही रहेगा। लेकिन बदल क्या रहा है, मास नंबर बदल रहा है। तो अभी हमारे पास आगे 12 आ गया, इसका 13 आ गया और 14 आ गया, बहुत सारे नंबर हो गए, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, इसमें 14 और 15 हो गया, इसमें 16, 17 और 18 हो गया। तो अब एक से ज्यादा नंबर हो गए, अब ले सकते हैं इनका एवरेज। तो इसलिए पढ़ रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास या फिर एवरेज एटॉमिक वेट, क्योंकि मास का हम एवरेज निकाल रहे हैं, इसलिए हम पढ़ते हैं एवरेज एटॉमिक मास या फिर एवरेज एटॉमिक वेट। और इसमें जो ऑक्सीजन 16, 17 और 18 है, इतना ही नहीं होता है, इनके अलावा भी होते हैं। ऑक्सीजन 11 से लेके लगभग 26 तक होते हैं, हमें एग्जिस्ट करते हुए मिलते हैं, लेकिन वो क्या है, रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव मीन्स कि उनकी हाफ लाइफ बहुत ही कम है। तो जो स्टेबल है वो है 16, 17 और 18। तो जो मेनली हम पढ़ते हैं वो इसलिए इतना ही पढ़ते हैं कि कार्बन का 12, 13, 14, नाइट्रोजन का 14 और 15 वाला, और जो ऑक्सीजन है उसका 16, 17 और 18। अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ एटॉमिक मास चेंज हुआ है, एटॉमिक नंबर सेम है। तो इस तरह की स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं भाई, एक ही एलिमेंट है हमारा, उसके डिफरेंट एटम्स हैं। एलिमेंट एक है यानी कि कार्बन की है, लेकिन उसके एटम अलग अलग हो गए हैं। एटम अलग कैसे हो गए कि भाई एक का 12 एटॉमिक मास आ रहा है, एक का 13 आ रहा है, एक का 14 आ रहा है। तो इसलिए जो एटम है वो डिफरेंट, एलिमेंट इज सेम। सो इसमें जो है हमारा एलिमेंट जो होगा वो होगा हमारा सेम, एटम जो है वो होगा डिफरेंट, सारे एटम अलग अलग हो गए हैं, है कार्बन ही लेकिन एलिमेंट सेम है। अब इसके अंदर एटॉमिक मास जो है वो क्या है, डिफरेंट, इसका 12, 13, 14, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होगा, सेम, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। कार्बन तो 6 पे ही आता है, हम ये तो बात नहीं करते ना कि कार्बन एक बार 6 आएगा, फिर 7 पे आएगा, फिर 8 पे आएगा। कार्बन हमेशा 6 एटॉमिक नंबर पे ही आता है, एटॉमिक मास उसका चेंज रहता है। इस तरह की स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। तो कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं, 3, नाइट्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के हैं 3। ये 3 बढ़ रहे हैं क्योंकि स्टेबल है,
होते इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये क्या है, स्टेबल है, इसलिए हम इतने आइसोटोप्स इसके पढ़ते हैं। तो हम सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि जो एवरेज एटॉमिक मास या फिर एवरेज एटॉमिक वेट जो निकलता है वो किस केस में निकलता है, आइसोटोप्स के केस में, क्योंकि जहां पे आइसोटोप होगा वहां पे अलग अलग एटॉमिक मास होंगे, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होंगे, उन सबको हम प्लस करके उनका एवरेज ले सकते हैं। तो इसीलिए हम आइसोटोप्स के केस में ही पढ़ने वाले हैं एवरेज एटॉमिक नंबर। अगर हमारे पास में एक ही एलिमेंट होगा तो एवरेज कहां से लोगे उसका, अगर अलग अलग होंगे यानी आइसोटोप्स हमारे पास में होंगे तभी उनका हम एवरेज ले सकते हैं। तो अब हम उनके ऊपर क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। तो जो एवरेज एटॉमिक वेट हम निकालने वाले हैं उसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। दिस इज एवरेज एटॉमिक वेट, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है यहां पे। तो हम लिखेंगे यहां पे सबसे पहले परसेंटेज अबंडेंस ऑफ वन आइसोटोप, एक आइसोटोप का कितना परसेंटेज अबंडेंस है यानी एनवायरनमेंट में वो कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट है, इनटू हम उसका करेंगे क्या एटॉमिक वेट यानी कि एटॉमिक मास, कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस फिर यही वाली चीज लिखेंगे परसेंटेज अबंडेंस ऑफ सेकेंड आइसोटोप, क्योंकि आइसोटोप तो एक से ज्यादा ही होंगे। अगर मान लो पहला आइसोटोप लिया उसका परसेंटेज अबंडेंस कितना है एनवायरनमेंट में, 90 है, 87 है, कितना भी है, उसका एटॉमिक वेट कितना है, 12 है, 14 है, 18 है, 20 है। अब जो सेकेंड आइसोटोप है उसका परसेंटेज अबंडेंस 0.1 है, 0 है, कितना भी है, उसके बाद में इसका मल्टीप्लीकेशन विद एटॉमिक वेट प्लस आगे तक जितने भी आइसोटोप है उनके लिए सबके लिए इस तरीके से होगा, उसका कितना परसेंटेज प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, मल्टीप्लीकेशन उसका एटॉमिक मास कितना है, प्लस करोगे फिर लिखोगे सेकेंड आइसोटोप का कितना अमाउंट प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में इनटू उसका एटॉमिक मास कितना है। तो यानी कि हम जिस तरीके से कहते हैं कि हम दुकान पे जाते हैं कोई चॉकलेट हम खरीदना चाहते हैं, तो अगर हमें दो चॉकलेट चाहिए, एक चॉकलेट का रेट कितना है, 5 रुपए है, तो हम क्या करेंगे, हमें दो चाहिए तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 × 2 = 10, तो हमें कितना देना पड़ रहा है, उसका टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो 10 है। इसी तरीके से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसका जो एटॉमिक वेट है वो कितना है, जितना भी होगा दिया हुआ होगा, उसका परसेंटेज अबंडेंस कितना है, तो यानी वो इतना प्रेजेंट है, उसका मास इतना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आएगा फर्स्ट आइसोटोप के लिए। इसी तरीके से सेकेंड आइसोटोप के लिए निकाल सकते हो, जितने होंगे उतना करना है, डिवाइडेड बाई टोटल जो है वो कितना होगा हमेशा 100%, क्योंकि परसेंटेज अबंडेंस की हम बात कर रहे हैं, परसेंटेज कितना होता है, मैक्सिमम 100% होता है, तो कोई भी चीज 100% है तो हम डिवाइडेड बाई करेंगे 100 से। तो हम ये जो फॉर्मूला है ये यूज करने वाले हैं। अब हम जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो अब हमारे पास में ये क्वेश्चन है, हमें आइसोटोप दे रखा है कार्बन का, कार्बन एटम का ही सिंबल होता है, तो कार्बन के आइसोटोप है 12, 13 और 14, इनका परसेंटेज अबंडेंस दे रखा है, इसका इतना है, इसका इतना है, उसका इतना है, और इसका एटॉमिक वेट दे रखा है। तो जो एटॉमिक वेट दिया है हम ये वाला नहीं पुट करेंगे, 12, 13 और 14 नहीं लिखना है, अगर एटॉमिक वेट दिया हुआ है तो यही वाला लिखना है। तो अब हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट, तो हम इसमें लिखेंगे एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, क्योंकि हम कार्बन के लिए निकाल रहे हैं, तो हम लिखेंगे परसेंटेज अबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, पहला आइसोटोप है कार्बन 12, तो परसेंटेज अबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप वो कितना दे रखा है, 98.892 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक वेट, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, बीच में लगा दो प्लस का साइन, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, बीच में लगा दो प्लस का साइन और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है सबको और इन सबको एड करना है तभी एवरेज निकलेगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, बीच में क्या लगाएंगे, प्लस का साइन। अब परसेंटेज अबंडेंस, ये रही परसेंटेज अबंडेंस ऑफ सेकेंड आइसोटोप, ये दे रखी है 1.108 इनटू इसका एटॉमिक मास है 13.00335 प्लस परसेंटेज अबंडेंस ऑफ थर्ड आइसोटोप, ये है 2 × 10⁻¹⁰ इनटू इसका एटॉमिक मास दे रखा है 14.00317। इस तरीके से लिख दिया। अब टोटल है कितना, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज, टोटल कितना है परसेंटेज 100%,
अब क्योंकि कार्बन आइसोटोप की बात हो रही है तो इसका जो आंसर आएगा वो 12.001 AMU एटॉमिक मास यूनिट में हम निकालेंगे इसको, लगभग 12 के आसपास ही आता है, तभी तो हम कार्बन का क्या लिखते हैं 12 लिखते हैं, तो लगभग 12 ही आएगा, 12.001 समथिंग, तो इसका जो आंसर है वो इतना हो जाएगा। इस तरीके से हम निकालते हैं एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन आइसोटोप। तो अब हमें जो आइसोटोप सी है वो है नियॉन के, नियॉन 20 है, 21 है और 22 है, और इनका परसेंटेज अबंडेंस दे रखा है, एटॉमिक वेट अब नहीं दिया है, तो यानी एटॉमिक वेट अब क्या है 20, 21 और 22, तो यानी हमें इन दोनों को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है, तो सिंपली लिख देते हैं एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ नियॉन, नियॉन के आइसोटोप्स के लिए निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा इसका परसेंटेज अबंडेंस दे रखा है 0.9051, ये पहले आइसोटोप के लिए है, इनटू इसका एटॉमिक वेट कितना है 20 प्लस सेकेंड वाले का परसेंटेज अबंडेंस है 0.0027 ये वाला, इनटू इसका एटॉमिक वेट कितना दे रखा है 21 प्लस करेंगे थर्ड वाले का परसेंटेज अबंडेंस है 0.0922 इनटू इसका जो एटॉमिक वेट है वो 22 डिवाइडेड बाई टोटल है कितना 100% है, तो ये लगभग कितना आएगा, नियॉन का एटॉमिक वेट जो होता है वो लगभग 20 के आसपास होता है, तो उसका 20.1 समथिंग आएगा इन एटॉमिक मास यूनिट, और इसको 20.1 यू भी लिख सकते हैं, तो इसका इतना लगभग आंसर आएगा, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, तो अब जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन जो कि 14-15 होता है, इसका परसेंटेज अबंडेंस दे रखा है 99.99 और 0.01। अब इसका निकाल देते हैं एवरेज एटॉमिक वेट, तो वो कितना हो जाएगा परसेंटेज अबंडेंस दे रखा है 99.99 पहले आइसोटोप के लिए, इनटू इसका एटॉमिक मास कितना है 14 प्लस सेकंड का जो है परसेंटेज अबंडेंस है वो है 0.01 इनटू एटॉमिक वेट कितना है 15 डिवाइडेड बाय 100, तो नाइट्रोजन का होता कितना है 14 होता है, तो इसका जो एवरेज आएगा वो भी 14 के आसपास ही आएगा, 1 समथिंग आएगा AMU, तो ये जो है ये इसका आंसर हो जाएगा एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन के लिए जो इसके आइसोटोप्स हैं। तो अब जो परसेंटेज अबंडेंस है वो है आर्गन के लिए, आर्गन का है 36, 38 और 40 का आइसोटोप, ये इसका परसेंटेज अबंडेंस दे रखा है इन सबके रिस्पेक्टिवली, और एटॉमिक मास जो है वो इस तरीके से हैं कि अब इसका हम निकाल देते हैं एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ आर्गन, वो हो जाएगा इसका परसेंटेज अबंडेंस फर्स्ट वाले का वो दे रखा है 0.337 इनटू, अब इसका हम ये वाला एटॉमिक मास नहीं रखेंगे क्योंकि हमें दे रखा है ये एटॉमिक मास हमें रखने हैं, ये हो जाएगा 35.96755 प्लस ये हो जाएगा 37.96272 इनटू इसका परसेंटेज अबंडेंस कर देते हैं 0.063 प्लस इसका परसेंटेज अबंडेंस कर देते हैं 99.600 इनटू 39.9624 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 100, अब इसका आएगा लगभग 39 के आसपास 39 point something आएगा इसका आंसर, आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि आर्गन का होता कितना है लगभग 40 के आसपास होता है, तो 39.9 कुछ हो जाएगा तो अप्रोक्सीमेटली 40 के आसपास हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक लास्ट देख लेते हैं, तो अब जो हमें क्वेश्चन दे रखा है वो है बोरोन का 10 आइसोटोप है, बोरोन का 11 है, इसका हमें परसेंटेज अबंडेंस नहीं दे रखा है, दोनों चीजें हमें निकालनी है और एवरेज एटॉमिक वेट अब हमें नहीं निकालना है, हमें दे रखा है 10.8 है, तो अब हमें ये दोनों चीजें नहीं पता है, जब हमें नहीं पता होता तो हम क्या मान लेते हैं, सबसे पहले एक्स मान लो उस चीज को, तो पहला जो बोरोन 10 है अब हमें ये नहीं पता है इसका परसेंटेज अबंडेंस कितना है, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये होगा एक्स परसेंटेज, अब हमें एक्स पता ही नहीं है कितना है तो हम उसको मान लेते हैं सिंपली एक्स, तो जब मैंने बता रही हूँ कि टोटल कितना होता है, टोटल हमेशा 100 होता है, 100 से डिवाइड कर रहे हैं परसेंटेज,
परसेंटेज टोटल 100 होता है, तो ये x हो गया है, तो ये कितना बचेगा टोटल में से, ये हो जाएगा 100 माइनस x परसेंटेज। तो हमें टोटल पता है कि भाई टोटल 100 होता है और ये x है उसमें से, तो ये कितना बचा होगा, 100 में से माइनस कर दो x को, ये उतना बचा होगा। तो बोरोन 10 का जो परसेंटेज अबंडेंस है वो x मान लिया, और बोरोन 11 का जो परसेंटेज अबंडेंस है उसको 100 माइनस x मान लिया। अब जो एवरेज एटॉमिक वेट का फॉर्मूला है वो क्या है, वो होता है परसेंटेज अबंडेंस ऑफ पहला आइसोटोप, पहला आइसोटोप का परसेंटेज अबंडेंस x माना है तो रख दो x को, इनटू एटॉमिक वेट कितना है इसका 10 है यहां पे दे रखा है, तो 10 प्लस परसेंटेज अबंडेंस सेकंड आइसोटोप का कितना माना है 100 माइनस x, तो लिख दो 100 माइनस x इनटू में क्या होगा इसका एटॉमिक मास, इनटू 11 कर दो डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि हम फॉर्मूला लिख रहे हैं अभी, फॉर्मूला में तो पुट कर देंगे ना इन वैल्यूज को, तो फॉर्मूला ये बन गया अभी। अब हमें एवरेज एटॉमिक वेट दे रखा है ये 10.8, तो उस 10.8 को यहां रख दो, तो ये कैसे हो जाएगा 10.8। अब ये 100 यहां पे डिवाइड में था, मैं इसको इधर ले जाऊं, इधर ले जाके इसको सॉल्व करना है ना हमें, तो हम इसको इधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू के इस साइड में ये डिवाइड में था, इक्वल्स टू के इस साइड में जाके ये मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये हो जाएगा 10.8 इंटू 100, इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा। अब इसमें से हमें ये x नहीं पता है और यहां से ये वाला x नहीं पता है, बाकी क्या है 10, 100 और 11 ये सब है, तो इनको सिंपली सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू 10, x इंटू 10, तो यानी x और 10 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मैं इसको सिंपली लिख दू 10x। अभी भी इसका मतलब क्या है कि दोनों मल्टीप्लीकेशन में ही है, बीच में क्या है प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन लगा दो ऐसे। अब ये वाला जो है हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इस 11 के साथ में, अब ये 11 इस पूरे ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो इस 11 को दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 11, ये क्या हो जाएगा 1100, अब बीच में क्या साइन है माइनस का, तो माइनस लगा दो। अब 11 इंटू एक्स सेम ऐसे ही जैसे कि 10 इंटू एक्स था वैसे 11 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 11x। अब हमें पता क्या करना है, ऐसे हमें ये x निकालना है, एक x यहाँ पे है और एक x यहाँ पे है, तो दोनों को हम साथ में ले आए सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, तो ये क्या है 10x प्लस का, ये क्या है 11x माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 11, 10 माइनस 11 क्या होता है माइनस 1, तो माइनस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं सिंपली माइनस का x, 1 लिखने की जरूरत क्या है, तो माइनस x लिख दिया, प्लस की फॉर्म में ये वाला नंबर था तो लिख दो प्लस 1100, इधर क्या था 10.8 इंटू 100, तो ये 10.8 है और ये 100 है, तो ये जाएगा 1080। अब हमें यहां से x निकालना है, इन दोनों नंबर को सॉल्व कर दो सिंपली, ये क्या था हमें इधर से x निकालना है, तो जो दूसरा नंबर है उसको इधर ले जाओ, x को वही रहने दो क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। अब ये 1100 जो है वो इधर जाएगा, तो ये कितना लिख सकते हैं इसको, इस तरीके से लिख दूं, ये हो जाएगा 1080। अब ये प्लस में था ये इधर जाके माइनस में, तो माइनस का 1100 इधर लिख देते हैं, तो 1080 माइनस 1100, तो ये है 80, ये है इधर 100, तो ये हो जाएगा माइनस का 20, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 20, छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं तो माइनस का साइन आएगा। अब इधर भी माइनस है, माइनस माइनस काट दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है 20, x आ गया है 20। अब देखो कि x की वैल्यू 20 आई है, तो x था क्या, x को माना क्या था B10, यानी B10 वाला जो आइसोटोप था उसकी परसेंटेज अबंडेंस थी क्या x, तो x की वैल्यू क्या हो गई 20%। अब 100 माइनस x करोगे तो क्या आएगी B11 का परसेंटेज अबंडेंस, तो कितना लिख देंगे B10 जो था आइसोटोप वो x के बराबर था, x परसेंटेज, और x ही कितना है 20 है, तो यानी B10 का जो है परसेंटेज अबंडेंस है 20%। टोटल कितना होता है 100, 100 में से 20 को माइनस कर दो कितना आ गया आप 80, तो यानी B11 जो है आइसोटोप उसका जो परसेंटेज अबंडेंस वो है 100 माइनस x, यानी कि 100 माइनस 20 वो क्या आएगा 80%, तो यानी B11 का जो परसेंटेज अबंडेंस है वो है 80%, इसका है 20%, यही हमें निकालना था।
तो ये हो गया इसका आंसर। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास या फिर एवरेज एटॉमिक वेट के क्वेश्चंस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।